حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं साहबजादा मोहम्मद ज़ुबैर साबरी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब तो खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहे। दोस्तों, जिन्नात की तस्खीर का मैं कमल आप लोगों को बताने वाला हूँ और ये बहुत सख्त तरीन अमल है। ठीक है, बहुत सख्त तरीन अमल है। सूरह जिन का अमल है, सूरह जिन की पहली चार आयात का अमल है। ठीक है, और एक बात याद रखें, इस अमल को शुरू करने से पहले ये सोच लें कि आप ये अमल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये अमल बहुत सख्त है और इस अमल में बहुत ज़्यादा खौफ आता है। कमज़ोर दिल वाले लोग इस अमल को हरगिज हाथ भी ना लगाएं, वरना पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ठीक है, इस अमल में ऐसा होता है कि एक सांप आकर डराने लगता है। ठीक है, तरह तरह की शक्लें बनाकर वो आपको डराएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके कड़ के अंदर वो आ रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा लगेगा आपको सिर्फ। और आपके पास ऐसा मंज़र होगा, आपको ऐसा पता चलेगा कि मेरे आसपास लोगों को कत्ल किया जा रहा है और उनको आग में डाला जा रहा है। ये तमाम मनाजिर आप पढ़ाई करते वक्त अपने आसपास देखेंगे। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास टोटल आग जल रही है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है, और ये सब कुछ आपको डराने के लिए होगा। ठीक है, मगर आपने डरना नहीं है, क्योंकि हिसार के अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब कुछ आपको डराने के लिए किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, इसलिए इन चीज़ों से डरना कैसा। अगर आप डर गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे और सख्त तरीन रजत का शिकार हो जाएंगे आप। ठीक है, इसलिए इस अमल में बहुत खौफ है, इस अमल में बहुत डराया जाता है इंसान को, ऐसे ऐसे इशारे देकर डराया जाता है कि इंसान, बाज़ औक़ात इंसान तो कड़ से निकल कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को ऐसी वो ठेस पहुंचाते कि इंसान पागल हो जाता है। ठीक है, और इन चिल्ले वज़ाइफ में इंसान की मौत भी हो जाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये अमल बहुत सख्त है, लेकिन जिसने कर लिया ना, आप यकीन करो वो जितने भी जादूगर से कोई इसके साथ पंगा लेगा ना, तो ये उसको सबक सिखा सकता है, इतनी पावरफुल जिन्नात की हाजिरी है ये, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, ये बात याद रखें। मैं पहले यही बता रहा हूँ कि कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल इसको पढ़ें भी ना। ठीक है, पहले वो सोचें कि हाँ मैं ये अमल कर सकता हूँ या नहीं, मुकम्मल मजबूत इरादा करें, फिर इस अमल को करें। ठीक है दोस्तों, ये अमल सूरह जिन की पहली चार आयात का अमल है, सिर्फ एक मरतबा शुरू में आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ठीक है, नौचंदी जुमेरात या एतवार को आपने ये अमल स्टार्ट करना है इशा की नमाज के बाद, और ये ख्याल रहे कि पहले 14 दिन में कमर दर अकरब ना हो। ठीक है, अपना मुंह मशरक की तरफ रखें और अपने गेद मजबूत इशार करें, अपने पास एक खुला चाकू आपने लाजमी रखना है, एक लोटा पानी भी अपने पास आपने रखना है। ठीक है, बाज़ औक़ात आग भी लग सकती है। ठीक है, और इस अमल को रोज़ाना आपने 1100 बार पढ़ना है, यानी सूरह जिन की पहली जो चार आयात हैं उनको आपने 1100 बार पढ़ना है।
अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और ये अमल 40 दिन का है। ठीक है, अमल के आखिरी दिन हाजिरी आपकी मुकम्मल होगी तो पूरे होश व आवास में, हौसले में उस उन जिन्नात के साथ अपना वादा ले लें। ठीक है, जितनी मुद्दत उसको रखना है, जैसे रखना है, तमाम बातें उसी वक्त उसे तय कर लें। ठीक है, 40वें दिन जिन हाजिर होगा और जब तक पढ़ाई मुकम्मल ना हो उससे बात ना करें। ठीक है, और उससे मुसख़िर होने की कोई निशानी ले लें, उससे हाज़िरी का तरीका पूछ लें। और एक बात याद रखेगी, ये अमल किसी नेक कामिल की इजाज़त से करना। ठीक है, तब जाके इंसान को कामयाबी होती है, और जब कामिल की इजाज़त होती है तो फिर ज़्यादा चीज़ें डराने भी नहीं आती हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, इसलिए इजाज़त ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।